भी घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं दिल्ली सरकार की। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता इस मामले में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ही सांसद संजय सिंह जेल में कैद हैं, वहीं दूसरी ही तरफ गिरफ्तारी की तलवार अब लटकी हुई है सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, उनके पार्षद, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल हो भी जाती है तो भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल में जाकर कैबिनेट की बैठक भी होगी और वहीं हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि अब केजरीवाल सरकार की तरफ से यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है दिल्ली के ही मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ। ऐसे में अब यहां पर मांग की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि उन्हें अब बर्खास्त कर देना चाहिए, इस पद से उन्हें हटा देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के लिए जिस तरह से रिपोर्ट भेजी गई है, यहाँ पर उपराज्यपाल को, उपराज्यपाल से मांग की गई कि अब जल्द से जल्द उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि सतर्कता मंत्री आतिशी मरलेना ने रिपोर्ट को सीएम अरविंद केजरीवाल के पास भेजा और अरविंद केजरीवाल ने ये रिपोर्ट भेज दी उपराज्यपाल के पास। उनका कहना रहा कि जांच पड़ताल की जाए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के कथित मामले में वह फंसे हुए हैं और इस मामले की कार्रवाई करते हुए इस जांच को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें उनके पद से अब बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो अब आतिशी मरलेना लगातार खुलकर अपनी बात रख रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी जा रही है, दूसरी ही तरफ किसी अन्य मामले में यहाँ पर जो नरेश कुमार के बेटे हैं उनका नाम भी एक बार फिर से सामने आया और ऐसे में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। तो उपराज्यपाल इस पर देखा जाए तो इस रिपोर्ट को देखते हुए उनके इस अपील को खारिज करते हुए भी देखे गए हैं, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर आतिशी मरलेना लगातार खुलकर अपनी बात रख रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी के द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बामनौली गांव की अधिकृत जमीन के मुआवजे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरक रिपोर्ट सौंप दी गई और मुख्य सचिव पर जांच में देरी का आरोप भी लगाया कि इसमें जांच में देरी क्यों हो रही है। दूसरी तरफ इस पूरक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि मुख्य सचिव और मंडलायुक्त को इस गड़बड़ी की जानकारी 3 महीने से थी और उन्होंने डीएम पर कार्यवाही नहीं की और इस मामले में उन्होंने सीबीआई और ईडी की जांच को जरूरी बता दिया है। तो यहाँ पर आतिशी मरलेना का साफ तौर पर यही कहना रहा है। दूसरी ही तरफ देखा गया कि एलजी मुख्यमंत्री की ओर से भेजी गई प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जांच कराने से इनकार भी कर चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया ही। यहाँ पर आतिशी ने पूरक रिपोर्ट में यह भी कहा कि मुख्य सचिव और मंडलायुक्त ने सच्चाई जानने के बावजूद दक्षिणी पश्चिमी जिले के डीएम को 3.5 महीने तक निलंबित नहीं किया। 15 मई 2023 को यह अवार्ड पारित भी किया गया। वही 18 मई को केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद 8 जून 2023 को मंडलायुक्त ने मुआवजे की दरें बढ़ाने की गलती को सुधारने के लिए डीएम से भी कहा। वहीं यहां तक कि मुख्य सचिव ने भी 30 जून 2023 को यही सिफारिश की। लगभग 2.5 महीने के बाद 4 अगस्त को मंडलायुक्त ने खुद मुख्य सचिव को बताया कि डीएम के बार बार कहने पर भी गलती नहीं सुधार रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर किस तरह से सतर्कता मंत्री के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है और आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पहली बार जून 2023 में इस मामले की जांच के लिए फाइल सतर्कता विभाग भेजी गई थी। 8 अगस्त को सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट दी और 21 सितंबर को तत्कालीन डीएम को दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के रूप में तबादला कर दिया। 19 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद 20 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सच सामने लाने के लिए सीबीआई और ईडी को ये मामला सौंपे जाने की बात कही जा रही है। आतिशी का कहना है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से ये साफ है कि कैसे पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ाकर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की गई।
मुख्य सचिव और उनके बेटे के संबंध भी सामने आ चुके हैं, इसलिए अब मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराना जरूरी है। उन्होंने अपनी इस पूरक रिपोर्ट में जांच की मांग की, जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव को निलंबित करने की सिफारिश की है। वहीं इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उपराज्यपाल से अनुरोध है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थिति की समीक्षा करें। यानी कि यहाँ पर उपराज्यपाल से साफ तौर पर अब बात कही गई है, मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए, देरी नहीं होनी चाहिए और ऐसे में यहाँ पर उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि किस तरीके से यहाँ पर आतिशी मर्लिना डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है नरेश कुमार पर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नरेश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आई उनके बेटे पर और उन पर जो आरोप लगा है ये आपको बता देते हैं। मुख्य सचिव ने अपने बेटे की एक और कंपनी को 7 महीने पहले दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल में बिना टेंडर के AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलाया था, जिससे कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ और साथ ही जांच में खुलासा हुआ कि जिस कंपनी को AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिया गया था उसको सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। आतिशी मर्लिना ने कथित अस्पताल घोटाले से संबंधित विस्तृत जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी सौंप दी और ऐसे में देखा गया कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में, जमीन अधिग्रहण के मामले में तो मुख्य सचिव फंसे ही थे, लेकिन दूसरी ही तरफ अस्पताल घोटाले को लेकर भी उनका नाम सामने आ गया। तो ऐसे में यहां पर बार बार यही मांग की जा रही थी। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं, बातें तो ये तक निकलकर सामने आई हैं कि कुछ फाइल्स भी भेजी गई हैं केंद्र की मोदी सरकार को भी कि इस मामले पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ईडी सीबीआई तक केजरीवाल की सरकार पहुंच रही है और अब आतिशी मर्लिना ने जो अनुरोध किया है, जो उन्होंने पूरक रिपोर्ट भेजी है, जांच को यहां पर आगे बढ़ाने की उन्होंने बात कही है कि जांच में तेजी आनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में निलंबित करने की उन्होंने मांग रखी है और सीबीआई और ईडी से यहां पर जांच कराना बेहद जरूरी है, उन्होंने ये बात कह डाली है। तो आने वाले समय में यहां पर ये देखना होगा क्या यहां पर अब आतिशी मर्लिना कि इस मांग को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आखिरकार नरेश कुमार जो हैं, जो मुख्य सचिव के पद पर हैं, क्या वह इस पद पर बने रहेंगे आने वाले समय में या फिर नहीं, ये भी काफी अहम सवाल उठता है। फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें लगातार केजरीवाल सरकार की बड़ी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दूसरा समन भी केजरीवाल जी को भेजा जा सकता है और अगर वह फिर भी पेश नहीं होते हैं तो तीसरा समन भी उन्हें भेजा जा सकता है। तो देखना होगा कि आखिरकार इस मुश्किल से वह किस तरह से छुटकारा पाते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।